जोगमाया आल्सो वाज अनीजी, जोगमाया है वो भी अस्वस्थ थी, बट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई, लेकिन वह यह व्याख्या नहीं कर पाई कि क्यों। वुमेन डू नॉट लव मिस्ट्री, क्योंकि औरतें हैं वो रहस्य को पसंद नहीं करती हैं। बिकॉज दो अनसर्टेनिटी वा मे बी ट्रांसम्यूटेड इन टू पोइट्री, क्योंकि जो अनिश्चितता है उसको बदला जा सकता है पोइट्री कविता के अंदर, इन टू हीरोइज्म वीरता के अंदर, इन टू सोलर स्कॉलरशिप विद्वता के अंदर। इट कैन नॉट बी टर्न्ड टू अकाउंट इन हाउस होल्ड वर्क, इसको जो घरेलू कार्य हैं उसमें नहीं बदला जा सकता। सो इसलिए व्हेन ए वुमेन कैन नॉट अंडरस्टैंड थिंग, जब एक औरत है वो चीज़ों को नहीं समझती, सी आइदर डिस्ट्रॉय, या तो वह इसे नष्ट कर देगी एंड फॉरगेट इट, या फिर इसको भूल जाएगी, और इसलिए सी सेव्स इट ए न्यू, वह इसको एक नया आकार देती है फॉर हर ओन यूज, अपने स्वयं के उपयोग के लिए। इफ यदि सी फेल टू डील विथ इट इन वन ऑफ दीज वे, यदि वह इन रास्तों में से किसी एक रास्ते में वह इसके साथ व्यवहार करने में असफल हो जाती है, शी लोजेज हर टेम्पर विथ इट, तो वह अपना टेम्पर या गुस्सा या मिजाज है वो खो देती है। द ग्रेट कादम्बिनीज एब्स्ट्रैक्शन बिकेम, और महान जो कादम्बिनी है उसका, तो कादम्बिनी एब्स्ट्रैक्शन यानी अधिक कल्पना, जो कादम्बिनी की अधिक कल्पना है, बिकेम यानी हुई, द मोर इम्पेशियंस वाज जोगमाया विथ हर, और जोगमाया उसके साथ में उतनी ही अधिक ज्यादा बेचैन हो गई। वंडरिंग दैट ट्रबल वेट अपॉन हर माइंड, और वह आश्चर्य करने लगी कि कैसी मुसीबत है वो उसके दिमाग के ऊपर आ पड़ी। ए न्यू देन ए न्यू डेंजर अरोज, और उस समय एक नया खतरा उभर के आया। कादम्बिनी वाज अफ्रेड ऑफ हर सेल्फ, कादम्बिनी है वो अपने स्वयं से डरी हुई थी। येट फिर भी सी कुड नॉट फ्ली फ्रॉम हर सेल्फ, वह अपने आप से नहीं भाग पाई। दोज हु फियर घोस्ट फियर दोज हु आर बिहाइंड देम, दोज हु फियर घोस्ट, और जो लोग भूतों से डरते हैं, फियर दोज हु आर बिहाइंड देम, तो वो लोग उनके पीछे होते हैं। वेन एवर जब कभी, दे कैन नॉट सी देयर इज फियर, वो नहीं देख पाते कि वहाँ पर कोई भय है। बट कादम्बिनी चीप टेरर ले इन हर सेल्फ, लेकिन कादम्बिनी का जो मुख्य भय या जो आतंक है वो उसके अंदर ही स्वयं था। फॉर द ड्रेडेड नथिंग एक्सटर्नल, फॉर सी ड्रेडेड, और वह भयभीत थी, नथिंग एक्सटर्नल किसी भी बाहरी चीज से नहीं, यानी उसके बाहर का भय है वो बिल्कुल भी नहीं था, वह आंतरिक भय से ग्रसित थी। एट द डेथ ऑफ नाइट, और मृत्यु के दिन, वेन अलोन इन हर रूम, जब वह कमरे के अंदर अकेली थी, शी स्क्रीम्ड, वह चीखी। इन द इवनिंग शाम को, वेन शी सा हर शेडो इन द लैम्प नाइट, जब उसने अपनी परछाई है वो लैम्प की रोशनी में देखी। हर होल बॉडी सुक, उसका पूरा का पूरा शरीर भय से हिल गया। वॉचिंग देख हर फियरफुलनेस अपना भय, द रेस्ट ऑफ द हाउस, और जो बचा हुआ घर है, फिल इन टू सॉर्ट ऑफ टेरर, वो एक प्रकार के आतंक से भर गया। द सर्वेंट एंड जोगमाया हर सेल्फ बिगेन टू सी घोस्ट, और जोगमाया और जो नौकर हैं वो भी भूत को देखने लग गए। वन नाइट, एक रात को, कादम्बिनी केम आउट फ्रॉम हर बेडरूम वीपिंग, वह अपने कमरे से विलाप करती हुई बाहर आई। एंड वेल्ड, और उसने विलाप किया एट जोगमायाज डोर, जोगमाया के दरवाजे के ऊपर। सिस्टर सिस्टर, बहन बहन, लेट मी लाई एट योर फिट, मुझे आपके पैरों में लेट जाने दो। डू नॉट पुट मी बाई माई सेल्फ, और मेरे को अपने आप द्वारा मत उठाओ। जोगमाया एंगर वाज नो लेस देन हर फियर, और जोगमाया का जो गुस्सा है वो उसके डर से ज्यादा नहीं था। शी वुड हैव लाइक टू ड्राइव कादम्बिनी फ्रॉम द हाउस दैट वेरी सेकेंड, और वह कादम्बिनी को उसी समय अपने घर से बाहर निकालना चाहती थी। द गुड नेचर श्रीपति, और अच्छे मिजाज वाला जो श्रीपति है, आफ्टर मच एफोर्ट, बहुत ज्यादा प्रयास के बाद में, सक्सीड इन क्वाइटनिंग देयर गेस्ट, अपना जो मित्र है, अपना जो मेहमान है, उसको शांत करने में सफल हो गया। एंड पुट हर इन द नेक्स्ट रूम, और उसको अगले कमरे में ठहरा दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, श्रीपति वाज अनएक्सपेक्टेडली समन्ड टू हिज वाइफ्स अपार्टमेंट, श्रीपति को उसकी पत्नी के कक्ष के अंदर अनपेक्षित रूप से बुलाया गया। सी बिगेन टू अपब्रेड हिम, उसने उसका उसको झिड़की लगाई। यू यू डू नॉट कॉल योर सेल्फ ए मैन, आप अपने आप को एक पुरुष नहीं कह सकते हो। ए वुमेन रन्स अवे फ्रॉम हर फादर इन लॉ,
एक औरत अपने ससुराल से भाग आती है एंड एंटर योर हाउस, और आपके घर में प्रवेश करती है। ए मंथ पासेज, एक महीना गुजर गया। एंड यू हैव नॉट हिंटेड दैट शी शुड गो अवे, और आपने बिल्कुल भी इशारा नहीं किया कि उसे चले जाना चाहिए। नोर हैव आई हर्ड द स्लाइटेस्ट प्रोटेस्ट फ्रॉम यू, और मैंने आपसे एक हल्का सा भी विरोध है वो नहीं देखा नहीं सुना। आई शुड टेक इट एज ए फेवर इफ यू वुड एक्सप्लेन योर सेल्फ, और मैं मानती हूँ कि आप उसका एक पक्ष ले रहे हो यदि आप इसको स्पष्ट करो। यू मैन आर ऑल अलाइक, आप सभी मनुष्य सभी पुरुष एक जैसे होते हो। मैन एज ए रेस, आदमी एक जाति के रूप में। हैव ए नेचुरल पार्शलिटी फॉर वुमेन काइंड इन जनरल, औरतों के प्रति स्वाभाविक रूप से पक्ष रखता है। फॉर विच वुमेन देमसेल्फ होल्ड देम अकाउंटेबल, और फॉर विच जिससे कि वुमेन देमसेल्फ औरतें हैं वो अपने आप होल्ड देम उनको पकड़ लेती हैं अकाउंटेबल यानी उनकी जिम्मेदारी। ऑल्दो यद्यपि श्रीपति वाज प्रिपेयर्ड टू टच जोगमायाज बॉडी, श्रीपति है वो जोगमाया की उसका जो शरीर है उसको छूने के लिए तैयार हो गया। एंड स्वियर दैट दिस काइंड फीलिंग टुवर्ड्स द हेल्पलेस, एंड स्वियर, और उसने शपथ ली कि इस तरह की जो भावनाएं हैं टुवर्ड्स द हेल्पलेस उस एसआई के प्रति, बट ब्यूटीफुल कादम्बनी, लेकिन जो सुंदर कादम्बनी है, वाज नो विट ग्रेट देन, वो बिल्कुल बिल्कुल भी कम नहीं थी। ग्रेटर देन इससे ज्यादा, इट शुड भी उसे होना चाहिए था। सी ही कुड नॉट प्रूव इट, और वह इसको सिद्ध नहीं कर पाया बाई हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार के द्वारा। ही थॉट दैट हर फादर इन लॉज पीपुल मस्ट हैव ट्रीटेड दिस फॉरलोन विडो एबोमिनली, और उसने सोचा कि उसके ससुराल के जो लोग हैं उन्होंने अवश्य ही उस बेचारी औरत के साथ में नीच व्यवहार किया है, उस विधवा के साथ में नीच व्यवहार किया है। इफ शी कुड बियर इट नो लॉन्गर, और यदि और वह इसे ज्यादा नहीं सहन कर पाई। एंड वाज ड्राइविंग टू टेक रिफ्यूजी विथ हिम, और हमारे पास शरण लेने के लिए चली आई। एज सी हैज हैड नाइदर फादर नोर मदर, और उसके पास उसके न तो माँ है और नहीं पिता है। हाउ कुड ही डेजर्ट हर, हम कैसे उसको निर्जन छोड़ सकते हैं। सो सेइंग, और कहते हुए ही लेट द मैटर ड्रॉप, हमें यह मामला छोड़ देना चाहिए। फॉर ही हैड नो माइंड टू डिस्कस कादम्बनीज, और इस प्रकार इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। डिस्ट्रेस यानी हताश करना, परेशान करना कादम्बनी, बाय आस्किंग हर अनप्लीजेंट क्वेश्चन, उनके जो अस्वामनीय पर्सन है वो करके। हिज वाइफ, उसकी पत्नी है, देन ट्राइड अदर मीन्स ऑफ अटैक अपॉन हर स्लगिश लॉर्ड, और तब वह औरत है उसने अलग अलग जो तरीके हैं अपने जो ढीले ढाले वो मालिक है उसके ऊपर प्रहार करने के साधनों के बारे में सोची। अंटिल जब तक एट लास्ट अंत में ही सा दैट फॉर द सेक ऑफ पीस, और उसने देखा कि सेक ऑफ पीस शांति के लिए ही मस्ट हैंड वर्ड टू कादम्बनीज फादर इन लॉ, वह अवश्य ही पत्र लिखेगा कादम्बनी के ससुराल के लोगों के पास में। द रिजल्ट ऑफ लेटर, और जो इस पत्र का परिणाम है, ही थॉट, उसने सोचा, माइट नॉट बी सेटिस्फैक्ट्री, वह संतुष्टि वाला नहीं हो सकता। सो ही रिजोल्ड, इसलिए उसने संकल्प लिया टू गो टू रानीहट जाने का, एंड एक्ट ऑन वाट ही लर्नट, और एंड एक्ट और कार्य करने का वाट ही लर्नट, वो जो जानता था। सुश्रीपति वेंट, इसलिए श्रीपति गया। एंड जोगमाया ऑन हर पार्ट सेड टू कादम्बनी, और जोगमाया है ऑन हर पार्ट उसकी तरफ से सेड टू कादम्बनी, कादम्बनी को कहा, फ्रेंड मित्र, इट हार्डली सीम्स प्रॉपर फॉर यू, यह आपके लिए ज्यादा उचित होगा टू स्टॉप हियर एनी लॉन्गर, यहाँ पर ज्यादा दिन ठहरना। वाट विल पीपुल से, तो लोग क्या कहेंगे, यदि आप ज्यादा दिन रहोगे तो लोग क्या कहेंगे। कादम्बनी स्टेट सोलोमली, कादम्बनी है उसने गंभीरता पूर्वक घूर करके देखा जोगमाया को एंड सेड, और बोली, वाट हैव आई टू डू विथ पीपुल, मेरे को लोगों के साथ में क्या करना है। जोगमाया वाज एस्टाउंड, जोगमाया आश्चर्यचकित हुई, हकी बकी रह गई। देन शी सेड शार्पली, तब उसने तीखे रूप से कहा, इफ़ यू हैव नथिंग टू डू विथ पीपुल, यदि आपको लोगों के साथ में कुछ भी नहीं करना है, वी हैव, हम तो रखते हैं, हाउ कैन वी एक्सप्लेन द डिटेंशन ऑफ ए वुमेन बिलोंगिंग टू अनदर हाउस, कैसे हम दूसरे घर की एक औरत है उसको नज़रबंद रख सकते हैं। कादम्बनी सेड, कादम्बनी ने कहा, वेयर इज माई फादर इन लॉज हाउस, मेरे ससुर का घर कहाँ है। कन्फाउंड इट, इस पर हक्की बक्की होकर के थॉट जोगमाया, जोगमाया ने सोचा, वाट विल द रेज्ड वुमेन से नेक्स्ट, यह नीच औरत आगे क्या कहेगी।
वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे कादम्बिनी सेठ, कादम्बिनी ने कहा, वाट हैव टू डू विथ यू, आपके वाट हैव आपके पास करने के लिए क्या है, आई एम आई ऑफ द अर्थ, क्या मैं पर से हूँ, क्या मैं पृथ्वी से हूँ, यू लाफ तुम हंसते हो, वीप रोते हो, लव प्रेम करते हो, ईच ग्रिप ग्रिप एंड होल्ड्स प्रत्येक चीज को पकड़ते हो, रखते हो, हिज ओन अपनी स्वयं की, आई मेयरली लुक केवल मैं देख सकती हूँ, यू आर ह्यूमन आप मनुष्य हो, आई एम शेडो और आई ए शेडो और मैं तो एक परछाई हूँ, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई गॉड कीप मी इन दिस वर्ल्ड ऑफ योर्स, और मेरे को यह समझ नहीं है कि भगवान ने क्यों मेरे को आप जैसे संसार में रख रखा है, सो स्ट्रेंज वर हर लुक, उसका देखना बड़ा ही विचित्र था, एंड स्पीच और उसका जो वक्तव्य था, दैट जोगमाया अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ हर ड्रिफ्ट, तब जोगमाया है वो उसके प्रवाह से कुछ समझी, दो नोटाल बिल्कुल भी नहीं, अनेबल आइदर टू डिसमिस हर, अनेबल या तो उसको वहां से भंग करने के लिए, और टू आस्क हर एनी मोर क्वेश्चंस, और उसने और प्रश्न पूछे, सी वेंट अवे, वह चली गई, अब ओप्रेस्ट ओप्रेस्ट यानी दबी हुई, विथ थॉट सोचों से, इट वॉज नियरली 10 o'clock एट नाइट, और यह रात का लगभग 10 बजे का समय था, वेन श्रीपति रिटर्न फ्रॉम रानीहट, जब श्रीपति रानीहट से लौटा, द अर्थ वॉज ड्राउंड इन टोरेंट्स, और जो पृथ्वी है वो बोछारों से ड्राउंड यानी भीगी हुई थी, ओ फ्रेंड बरसात की, इट सीम्ड और यह प्रतीत हो रहा था, दैट द डाउन प्योर वुड नेवर स्टॉप, की ये मूसलाधार वर्षा है वो नहीं रुकेगी, दैट द नाइट वुड नेवर एंड, और इस प्रकार रात का कभी अंत नहीं होगा, जोगमाया आस्क वेल, जोगमाया ने कहा, अच्छा, आई हैव लॉस्ट टू से प्रेजेंटली, मेरे को वर्तमान में आपसे कहने के लिए बहुत से बहुत सा है, सो सेइंग कहते हुए श्रीपति चेंज हिज क्लॉथ, श्रीपति ने अपने कपड़े बदले, एंड सेट डाउन टू सपर, वो रात्रि भोजन के लिए बैठ गया, देन तब ही ले डाउन फॉर ए स्मोक, तब वह धूम्रपान करने के लिए लेट गया, हिज माइंड वाज परप्लेक्स्ड, उसका जो दिमाग है वो उलझन में था, हिज वाइफ स्टिल्ड हर क्यूरियोसिटी, और उसकी पत्नी है वो अब भी जिज्ञासा में थी, फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए, देन तब द सी केम टू हिज काउच, तब वह उसके लेटे हुए स्थान के पास में आई, एंड डिमांडेड और मांग की, व्हाट डिड यू हियर, आपने क्या सुना, देन दैट यू हैव सर्टेनली मेड ए मिस्टेक, आपने अवश्य ही कोई ना कोई मिस्टेक या गलती की है, जोगमाया नेटल्ड जोगमाया उलझी हुई थी, वुमेन नेवर मेक मिस्टेक्स, औरतें कभी भी गलती नहीं करती, और इफ दे डू और यदि वह ऐसा करती हैं, ए सेंसिबल मैन नेवर मेंशंस देम, एक समझदार पुरुष है वो उसका कभी भी वर्णन नहीं करता, इट इज बेटर टू टेक देम ऑन हिज ओन शोल्डर्स, और ये ज्यादा अच्छा होगा कि वह इनको अपने स्वयं के कंधों पर ले ले, जोगमाया स्नेप्ड, जोगमाया ने झिड़की दी, मे आई बी परमिटेड टू हियर हाउ, मे आई बी परमिटेड, क्या मैंने आपको अनुमति दी है टू हियर हाउ, कि इस तरह से सुना जाए, श्रीपति रिप्लाइड, श्रीपति ने जवाब दिया, द वुमन यू हैव टेकन इन टू योर हाउस, जिस औरत को आपने अपने घर में रख रखा है, इज नॉट योर कादम्बिनी, ये आपकी कादम्बिनी नहीं है, हियरिंग दिस, इसको सुनकर के सी वॉज ग्रेटली अनॉयड, वह बहुत ज्यादा चिंतित हो गई, स्पेशली विशेष रूप से, सिंस इट वॉज हर हस्बैंड, क्योंकि वह उसका स्वयं का पति था, हु सेड इट, उसने ऐसा कहा, वाट, क्या, आई डोंट नो माई ओन फ्रेंड, क्या मैं मेरे स्वयं के मित्र को नहीं जानती, आई मस्ट कम टू यू टू रिकोगनाइज हर, मैं अवश्य ही आपके पास आऊंगी, टू रिकोगनाइज हर, उसको पहचानने के लिए, क्या मैं आपके पास आऊंगी, क्या, यू आर क्लेवर इंडिड, तुम वास्तव में सचमुच में तुम चतुर हो, श्रीपति एक्सप्लेन दैट, श्रीपति ने व्याख्या की, दैट देर वॉज नो नीड टू क्वारल, यहाँ पर लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अबाउट हिज क्लेवरनेस, और उसकी जो चालाकता है उसके अंदर, ही कुड प्रूव वाट इज सेड, वह इसको सिद्ध, जो भी उसने कहा है उसको सिद्ध कर सकता था, देर वॉज नो डाउट दैट जोगमायाज कादम्बिनी वॉज डेड, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि जोगमाया की कादम्बिनी है वो मर चुकी, जोगमाया रिप्लाइड, जोगमाया ने जवाब दिया, लिसन, सुनो, यू हैव सर्टेनली मेड सम ह्यूज मिस्टेक, आप अवश्य ही कोई बड़ी मिस्टेक या त्रुटि कर रहे हो, यू हैव बीन टू द रोंग हाउस, तुम गलत घर के अंदर गए हो, और आर कन्फ्यूज, आप असमंजस में हो, एज टू वाट यू हैव हर्ड, जो भी कुछ आपने सुना है, हु टोल्ड यू टू गो योर सेल्फ, हु टोल्ड यू, किसने कहा आपको टू गो योर सेल्फ, अपने आप जाने के लिए, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर अप, और सारी चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी, श्रीपति वाज हरी हरी हर्ट बाई हिज वाइफ्स लेक ऑफ फेथ, और इस प्रकार श्रीपति है उसको चोट पहुंची अपनी पत्नी की कम विश्वास के लिए, इन हिज एजुकेटिव एबिलिटी, उसके कार्य निष्पादन करने की क्षमता के लिए, ही प्रोड्यूस्ड ऑल सोर्ट्स ऑफ प्रूफ, उसने सभी प्रकार के
सबूत पेश किए विदाउट रिजल्ट और बिना परिणाम के. मिडनाइट फाउंड देम स्टिल असर्टिंग, और रात को फाउंड देम उसने उनको पाया स्टिल असर्टिंग, अब भी स्वीकार करते हुए. एंड कॉन्ट्राडिक्टिंग और विरोधाभास, आल दो यदि देवर बोथ एग्रीड नाउ दैट कादम्बिनी शुड बी गोट आउट ऑफ द हाउस, वो दोनों ही तैयार हो गए थे कि कादम्बिनी को घर से चला जाना चाहिए. आल दो यद्यपि श्रीपति बिलीव्ड, श्रीपति विश्वास करता था दैट देयर गेस्ट हैड डिसीव्ड हिज वाइफ, कि उनका जो मेहमान है वो उसकी पत्नी को धोखा दे रहा था. आल द टाइम सभी समय बाई ए प्रटेंडेड एक्विंटेंस एक परिचित का बहाना करके. एंड जोगमाया दैट सी वाज ए प्रोस्टिट्यूट, और जोगमाया दैट सी वाज ए प्रोस्टिट्यूट, जो कि एक वेश्या थी. येट इन द प्रेजेंट, जो वर्तमान डिस्कशन नाइदर और नहीं वह चर्चा कर रही थी. वुड एक्नोलेज डिफीट, और यह डिफीट यानी हार थी. बाई डिग्रीज देयर वॉइसेज, और उनकी आवाज है वो बढ़ गई. बिकॉज क्योंकि सो लाउड इतनी ज्यादा तेज दैट दे फॉरगेट दैट कादम्बिनी वाज स्लीपिंग इन द नेक्स्ट रूम, और वो ये भी भूल गए कि कादम्बिनी उनके पास के कमरे में सो रही थी. द वन सेड, एक ने कहा वी आर इन ए नेक्स्ट फिक्स, हम एक उलझन के अंदर हैं. आई हर्ड इट विथ माई ओवर ईयर्स, मैंने स्वयं के कानों से सुना है. एंड द अदर आंसर्ड एंग्ली, और दूसरे ने क्रोध से जवाब दिया व्हाट डू आई केयर अबाउट दैट, व्हाट डू क्या आई केयर अबाउट दैट, मैं इन चीजों को संभालूं. आई कैन सी विथ माई ओन ईयर्स, मैंने अपने स्वयं के कानों से सुन लिया श्योरली निश्चित रूप से. एट लेंथ जोगमाया सेड, और आखिर में या अंत तक जोगमाया ने कहा वेरी वेल, बहुत अच्छा, टेल मी व्हेन कादम्बिनी डाइड, मेरे को ये बताओ कि कादम्बिनी कब मरी थी. सी थॉट, उसने सोचा दैट इफ शी कुड फाइंड ए डिस्पेरेंसी, यदि वह इसके अंदर कोई मतभेद पा सकती है या भिन्नता पा सकती है बिटवीन द डे ऑफ डेथ एंड द डे ऑफ द लेटर फ्रॉम कादम्बिनी, यानी कि उस मृत्यु के दिन में और कादम्बिनी से जो पत्र आया उसके बीच में. शी कुड प्रूव दैट श्रीपति एरर्ड, तो इससे वह सिद्ध कर सकती थी कि श्रीपति है वो त्रुटि में है. ही टोल्ड हर द डेट ऑफ कादम्बिनीज डेथ, उसने उसको कादम्बिनी की मृत्यु का दिन बताया. एंड और दे बोथ सा, और उन्होंने देखा दैट इट फेल ऑन द वेरी डे, कि यह उसी दिन था बिफोर सी केम टू देयर हाउस, जिस दिन वह उनके घर आई थी. जोगमाया हर्ट ट्रेम्बल्ड, जोगमाया का हृदय है वो कांपा. इवन श्रीपति वाज नोट अनमूव्ड, और यहाँ तक कि श्रीपति भी नहीं हिल पाया. जस्ट देन द डोर फ्लू ओपन, और उसी समय जो दरवाजा है वो खुला. ए डैम्प विंड स्वेप्ट इन एक ठंडी हवा अंदर आई एंड ब्लू द लैम्प आउट, और लैम्प को बुझा दिया. द डार्कनेस रस्ट आफ्टर इट, और इसके बाद में अंधेरा छा गया. एंड फिल्ड द होल हाउस, और पूरा कमरा भर गया अंधेरे से. कादम्बिनी स्टूड इन द रूम, कादम्बिनी है वो कमरे में खड़ी हुई थी. इट वॉज नियरली 1 o'clock, और ये 1 बजे का समय था. द रेन वॉज पेल्टिंग आउटसाइड, और बाहर थे वो वर्षा की बौछार हो रही थी. कादम्बिनी स्पोक, कादम्बिनी का फ्रेंड मित्र, आई एम योर कादम्बिनी, मैं आपकी कादम्बिनी हूँ. बट आई एम नो लॉन्गर लिविंग, लेकिन मैं अब जिंदी नहीं हूँ. आई एम डेड, में मरी हुई हूँ. जोगमाया स्क्रीम्ड विथ टेरर, जोगमाया है वो भय से चीखी. श्रीपति कुड नॉट स्पीक, और श्रीपति नहीं बोल पाया. बट सेव इन बीइंग डेड, बट सेव इन बीइंग डेड, लेकिन एक मृत्यु के रूप में सुरक्षित होकर के. आई हैव डन यू नो रोंग, मैंने आपके साथ में कुछ भी गलत नहीं किया. इफ आई हैव नो प्लेस अमोंग द लिविंग, यदि मेरा जीवित लोगों के पास में कोई स्थान नहीं है. आई हैव नोन अमोंग द डेड, और नहीं मेरा मृत लोगों के बीच में. ओह अरे वेदर से लाई गो, मैं कहाँ जाऊँ. क्राइंग चीखते हुए एज इफ टू वेक द स्लीपिंग क्रिएचर, जिस प्रकार से जो सोया हुआ विधाता है उसको जगाने के लिए. इन द डेंस नाइट ऑफ रेन, उस बरसात की गहरी रात के अंदर. सी आस्क्ड अगेन, उसने एक बार पुनः कहा ओह अरे वेदर सेल आई गो, मैं कहाँ जाऊँ. सो आस्किंग कादम्बिनी लेफ्ट हर फ्रेंड फेंटिंग इन द डार्क हाउस. सो सेइंग कादम्बिनी, और ऐसा कहते हुए कादम्बिनी लेफ्ट हर फ्रेंड फेंटिंग इन द डार्क हाउस, अपने मित्र को उस अंधेरे कमरे के अंदर, अंधेरे घर के अंदर मूर्छित अवस्था में छोड़ते हुए. एंड वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड, और वह उस संसार में चली गई. सीकिंग हर ओन प्लेस, अपना स्वयं का स्थान तलाशने के लिए. इट इज हार्ड टू से हाउ कादम्बिनी रिच्ड रानीहट, यह मुश्किल से ही कहा जा सकता है कि कैसे कादम्बिनी है वो रानीहट पहुंची. एट फर्स्ट, सबसे पहले सी शोड हर सेल्फ टू नो वन, सबसे पहले उसने किसी को अपने आप को नहीं दिखाया. बट स्पेंड द होल डे इन ए रुइन टेम्पल, लेकिन पूरा दिन उसने एक जर्जर
मंदिर में बिताया, स्टारविंग भूखे मरते हुए वेंदा अल्टीमेटली और अंततः आफ्टरनून ऑफ द रेन से दोपहर की जो बरसात है वाज पिच ब्लैक, गहरे बादल हो गए एंड पीपुल हडल्ड इन टू देयर हाउसेज, और लोग हैं वो अपने घरों के अंदर छिप गए फॉर फियर भय से ऑफ द इम्पेंडिंग स्टोरम, अवश्य भाई आने वाले तूफान से। देन कादम्बिनी केम फोर्थ, तब कादम्बिनी है वो आगे चली, हर हर्ट ट्रेम्बल्ड, उसका हृदय है वो ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड यानी भयभीत हुआ। ऐसी रिस्ट हर फादर इन लार्ज हाउस, और वह अपने ससुराल के घर चली गई। एंड और वेन इन, जब ड्राइविंग ए थिक वेल, वह एक गहरा घूंघट निकाली हुई और हर फेस अपने चेहरे के ऊपर, सी एंटर्ड नॉन ऑफ द डोर कीपर से, सी एंटर्ड उसने प्रवेश किया, नॉन ऑफ द डोर कीपर से ऑब्जेक्टेड, और किसी भी द्वारपाल ने ऑब्जेक्शन यानी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया, सिंस एतराज नहीं किया, सिंस दे टुक हर फॉर ए सर्वेंट, तब वो उसको एक नौकर के, उन्होंने उसको एक नौकर के रूप में लिया। एंड द रेन वाज प्योरिंग डाउन, और बरसात है वो गिर रही थी, एंड द विंड होवल्ड, और हवा है वो तेज चल रही थी, तेज चल रही थी। द मिस्ट्रेस यानी मालकिन, शारदा शंकर वाइफ, शारदा शंकर की जो पत्नी है वो, वाज प्लेइंग कार्ड विथ हर विडोड सिस्टर, वह अपनी विधवा बहन के साथ में ताश पत्ती खेल रही थी। ए सर्वेंट वाज इन द किचन, और एक नौकर एक रसोई घर के अंदर, द सिक चाइल्ड है वाज स्लीपिंग इन द बेडरूम, और शयन कक्ष के अंदर जो बीमार बच्चा है वो सो रहा था। कादम्बिनी एस्केपिंग एवरी वंस नोटिस, और कादम्बिनी है वो सभी के ध्यान से बच गई, एंटर दिस रूम, उस कमरे में प्रवेश किया। आई डोंट नोट नो, मैं नहीं जानती वाई सी हैड कम टू हर फादर इन लार्ज हाउस, क्यों वह अपने ससुराल के घर में आई है। सी हर सेल्फ डिड नोट नो, वह स्वयं भी नहीं जानती थी। सी फेल्ट, उसने महसूस किया, ओनली दैट सी वॉन्टेड टू सी हर चाइल्ड अगेन, कि वह उस बच्चे को, अपने बच्चे को एक बार पुनः देखना चाहती थी। सी हैड नो थॉट वेयर टू गो नेक्स्ट, और वह नहीं जानती थी कि उसको कहाँ जाना है और व्हाट टू डू, और क्या करना है। इन द लाइटन रूम, और उस प्रकाशमान कमरे के अंदर, सी सादा चाइल्ड स्लीपिंग, उसने देखा कि बच्चा सो रहा था। हिज फिस्ट क्लिंस्ड, उसकी मुट्ठी बिछी हुई थी। हिज बॉडी वास्ट विथ फीवर, और उसकी उसका जो शरीर है वेस्टेड वो क्षीण हो गया था विथ फीवर, बुखार से। एट साइट ऑफ हिम, और उसके एक दृश्य ने हर हर्ट बिकेम पार्स्ड एंड थ्रस्ट, और उसका जो हृदय है वो सुस हो गया और थ्रस्ट यानी उतावला हो गया, प्यासा हो गया। इफ ओनली सी, यदि वह कुड प्रेस दैट टॉर्चर्ड बॉडी, कुड प्रेस यानी लगा सके उस टॉर्चर्ड यानी यातना संपन्न शरीर को टू हर ब्रेस्ट, अपनी छाती से। इमिडिएटली जल्दी ही द थॉट फॉलोड, और ये विचार आया, आई डू नॉट एग्जिस्ट, मेरा तो अस्तित्व नहीं है। हु वुड सी इट, हु वुड सी इट, इसे कौन देखेगा। हिज मदर लव्ज कंपनी, उसकी माँ को तो साथ पसंद है। लव्ज गोसिप एंड चकार से, प्रेम करना, गपशप करना और ताश खेलना। ऑल द टाइम, सब पूरे समय। दैट सी लेफ्ट मी इन चार्ज, जब वह मेरे प्रभार में था। सी वाज हरसेल्फ फ्री फ्रॉम एंजाइटी, तो वह उस समय चिंता से मुक्त थी। नोर वाज सी ट्रबल्ड, और नहीं वह परेशानी में थी अबाउट हिम, उसके बारे में, इन द लिस्ट कहीं भी। Who will look after him now as I did, और अब उसकी कौन देखभाल करेगा। Now as I did, जैसा कि मैंने किया था। The child ruined on his side, बच्चे ने अपनी करवट बदली। एंड क्राइड, और चिल्लाया, half asleep, आधा सोया हुआ, आंटी give me water, मेरे को पानी दो। Her darling had not yet forgot his auntie, और उसका प्रिय है वो अब भी अपनी चाची को नहीं भूला था। In a fever of excitement, और इस उत्तेजना के अंदर, she poured out some water, उसने कुछ पानी उंडेला। एंड टेकिंग हिम टू हर ब्रेस्ट, और उसको अपनी छाती से लगाया। सी गेव इट हिम, और उसने उसको दिया। ए लॉन्ग एज ही वाज एस्लीप, एज लॉन्ग, और जैसे ही, एज ही वाज एस्लीप, वह सोया हुआ था। द चाइल्ड फेल्ट नो स्ट्रेंजनेस, उस बच्चे ने बिल्कुल भी अजनबीपन महसूस नहीं किया। इन टेकिंग वाटर फ्रॉम द एक्स्टम्ड हैंड, एक परिचित हाथ से पानी लेते हुए। बट वेन कादम्बिनी सेटिस्फाइड हर लॉन्ग स्ट्रेव्ड लॉन्गिंग, लेकिन जब कादम्बिनी ने संतुष्ट किया अपनी लंबे समय की इच्छा को। एंड किस्ड हिम, और उसे उसको चूमा। एंड बिगेन रोकिंग हिम एस्लीप अगेन, और एक बार उसे पुनः झुलाने लगी सुनाने के लिए। ही अवोक एंड एम्ब्रेस्ड हर, वह जगा और उसका आलिंगन किया। डिड यू डाई, क्या तुम मर गई थी आंटी, ही आस्क्ड, उसने कहा। यस
डार्लिंग, हाँ प्रिय, एंड यू हैव कम बैक, और अब आप वापस हो गई, डू नॉट डाई अगेन, तुम दोबारा मत मरना, बिफोर, इससे पहले, शी कुड आंसर, डिजास्टर ओवर टुक हर, शी कुड आंसर, वह उत्तर दे सकी, जी डिजास्टर यानी डिजास्टर ओवर टुक हर, विपत्ति उसके ऊपर आ गई, वन ऑफ द मैड सर्वेंट, एक महिला नौकर है, कमिंग इन विथ ए कप ऑफ सेगो ड्रॉप्ड इट, वह एक कप लेकर के आई जिसमें साबुदाना डला हुआ था, एंड फेल डाउन, सेगो ड्रॉप्ड इट एंड फेल डाउन, और वह गिर गई, एट द क्रेश द मिस्ट्रेस, और अपनी मालकिन को क्रेश यानी पीसती हुई, लेफ्ट हर कार्स, उसने अपने ताश पत्ते छोड़ दिए, एंड एंटर द रूम, और वह कमरे में प्रवेश किया, शी स्टूड लाइक ए पिलर ऑफ वुड, वह एक लकड़ी के पिलर की भांति एक शांत खड़ी हो गई, अनेबल टू फ्ली और स्पीक, ना तो वह भाग सकी और ना ही बोलने में असमर्थ हो गई, सीइंग ऑल दिस, और इन सब चीजों को देख करके द चाइल्ड, वह बच्चा, टू बिकेम टेरिफाइड, वह भी भयभीत हो गया, एंड ब्रस्ट आउट वीपिंग, और रोने लगा, गो अवे, दूर चली जाओ आंटी, आंटी, ही सेड, वह बोला, गो अवे, दूर जाओ, नाउ, अब, एट लास्ट, अंत में, कादम्बिनी अंडरस्टूड दैट शी हैड नॉट डाइड, तब कादम्बिनी समझ गई कि वह मरी नहीं थी, द ओल्ड रूम, वही पुराना और कमरा, द ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीजें, द सेम चाइल्ड, वही बच्चा, द सेम लव, और वही प्रेम, ऑल रिटर्न टू देयर लिविंग स्टेट, ये सभी चीजें उसकी जिंदी अवस्था के अंदर लौट आए, विदाउट चेंज, बिना बदले हुए, और डिफरेंस भिन्नता के, बिटवीन हर एंड देम, उनके और उनके बीच में, इन हर फ्रेंड्स हाउस, और उसके मित्र के घर, शी हैड फेल्ट दैट, उसने महसूस किया, हर चाइल्डहुड कंपेनियन, कि उसके चाइल्डहुड यानी बचपन के जो साथी हैं, वाज डेड, वो मर चुके हैं, इन हर चाइल्ड्स रूम, उसके कमरे के रूम के अंदर, शी न्यू, वह जाना, दैट द बॉडीज आंटी, की बॉयज आंटी, की उस लड़के की जो आंटी है, वाज नॉट डेड एट ऑल, वह बिल्कुल भी नहीं मरी है, इन एंग्विश्ड ट्यून, एक करुणा की लहजे के अंदर, शी सेड, वह बोली, सिस्टर, बहन, व्हाई डू यू ड्रेड मी, तुम मेरे को क्यों डरा रही हो, सी देखो, आई एम एज यू न्यू मी, मैं वैसी हूं जैसे कि आप मेरे को जानते हो, हर सिस्टर इन लॉ कुड एंड योर नो लॉन्गर, और उसकी जो सिस्टर इन लॉ या देवरानी है वो उसको ज्यादा सहन नहीं कर सकी, एंड फेल इंटू ए फेंट, और मूर्छित होकर के गिर गई, शारदा शंकर सीन सेल्फ इंटर द जनाना, और शारदा शंकर स्वयं उस जनाने में आया विथ फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़े हुए, ही सेड पीटियसली, और उसने दयापूर्वक कहा, इज दिस राइट, क्या ये सही है, सतीश इज माई ओनली सन, सतीश मेरा केवल एकमात्र पुत्र है, व्हाई डू यू शो योर सेल्फ टू हिम, आप अपने आप को उसको क्यों दिखाती हो, आर वी नॉट यूअर ओन किन, क्या हम आपके रिश्तेदार नहीं है क्या, सिंस यू वेंट, जब से तुम गई हो, ही हैज वेस्टेड अवे डेली, वह रोजाना कमजोर होता गया, हिज फीवर हैड बीन इंसिसेंट, और उसकी बुखार लगातार है, डे एंड नाइट, दिन और रात, ही क्राइज वह चीखता है, आंटी 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 आंटी, यू हैव लेफ्ट द वर्ड से, तुमने संसार को छोड़ दिया, ब्रेक दीज बाउंड्स ऑफ माया, माया के ये बंधन हैं उनको भी तोड़ दो, वी विल परफॉर्म ऑल फनरल ऑनर्स, हम अंत्येष्टि की सभी क्रियाएं कर देंगे, कादम्बिनी कुड बियर नो मोर, और कादम्बिनी है वो इन चीजों को ज्यादा नहीं सहन कर सकी, शी सेड, वो बोली, ओ अरे आई एम नॉट डेड, मैं मरी नहीं हूँ, आई एम नॉट डेड, मैं मरी नहीं हूँ, ओ हाउ कैन आई परस्यूड यू, मैं कैसे आपको राजी कर सकती हूँ, दैट आई एम नॉट डेड, कि मैं मरी नहीं हूँ, आई एम लिविंग, मैं जिंदा हूँ, शी लिफ्टेड ए ब्रास पोट, उसने एक पित्तल का बर्तन उठाया फ्रॉम द ग्राउंड मैदान से, एंड डेस्ट इट अगेंस्ट हर फोरहेड, और अपने सिर से टकराया, द ब्लड रेन फ्रॉम हर ब्रो, और उसके शिखर या सर से खून है वो निकला, लुक देखो, शी क्राइड वेची की, आई एम लिविंग, मैं जिंदा हूँ, शारदा शंकर स्टूड लाइक एन इमेज, शारदा शंकर है वो एक तस्वीर की भांति खड़ा हो गया, द चाइल्ड स्क्रीम्ड, वो बच्चा चीखा विथ फिर वैसे, द टू फेंटिंग वुमेन ले स्टिल, और दो मूर्छित औरतें हैं वो अब भी शांत पड़ी हुई थी, देन कादम्बिनी शाउटिंग, और तब कादम्बिनी चिल्लाई, आई एम नॉट डेड, मैं मरी नहीं हुई हूँ, आई एम नॉट डेड, मैं मरी हुई नहीं हूँ, वेंट डाउन द स्टेप्स, वह सीढ़ियों की ओर गई, टू द जनाना वेल, जनाना कुएं की ओर, एंड प्लंग इन, और उसके अंदर छलांग लगा दी, फ्रॉम द अपर स्टोरी, ऊपरी मंजिल से, शारदा शंकर हर्ड द इस प्लेस, शारदा शंकर ने छपा की आवाज सुनी।
ऑल नाइट पूरी रात द रेन प्योर्ड बरसात है वो होती रही, इट प्योर्ड नेक्स्ट डे एट डॉन और यह अगले दिन भी भोर तक हुई, वाज प्योरिंग स्टिल एट नून और यहाँ तक कि दोपहर तक होती रही, बाई डाइंग मर करके कादम्बिनी हैड गिवन प्रूफ, कादम्बिनी ने सबूत दे दिया दैट सी वाज नो डेड कि वह मरी नहीं है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, थैंक्स।